हमारी दादी नानी के ऐसे हजारों नुस्खे हैं फ्रेंड्स की, जिनके इस्तेमाल से हम घर पर ही ठीक हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर गले में दर्द या फिर छाती में कफ जमा हो गया हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में वे काफ़ी कारगर होते थे। तो फ्रेंड्स, आज दादी नानी के उन्हीं हजारों नुस्खों में से एक रेसिपी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। बहुत ही शानदार रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में लेंगे हम एक चम्मच देसी घी, और अब ये देखिए यहाँ पे हम एक कटोरी जितना ले लेंगे गुड़। माप में बताऊँ तो 200 ग्राम हमने यहाँ पर गुड़ का यूज़ किया है। अब इसको एकदम लो फ्लेम पे हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, धीमे धीमे आंच पे ही ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। एक ऐसी शानदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स आपसे मैं, कि जिसके इस्तेमाल से न तो कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और न ही जीवन में कभी दवाई खानी पड़ेगी। तो ये देखिए, अच्छे से हमने गुड़ को यहाँ पर मेल्ट कर लिया है, तो कोई भी यहाँ पर चंक्स वगैरह नहीं है गुड़ का। गुड़ के पिघलते ही हम फटाफट से इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक का पाउडर, जिसे हम सौंठ का पाउडर भी बोलते हैं। जो खाने वाली चम्मच होती है ना, तो उसी से ही माप कर हमने यहाँ पे अदरक का पाउडर लिया है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1 चम्मच शहद, जो खांसी जुकाम में काफ़ी फ़ायदा करता है। अब ये देखिए, 1/4 चम्मच जितना लिया है मैंने यहाँ पे तुलसी की पत्तियों का सूखा पाउडर, जो तुलसी होती है ना उसकी पत्तियों को सुखा के मैंने उसका पाउडर बना लिया था। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे और बस इसको कुछ सेकेंड के लिए ही पका लेंगे। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आप 2 चुटकी यहाँ पर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने काले नमक का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, कुछ सेकंड के लिए हमने इसको पका लिया है और सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। तो फटाफट से फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हमें ठंडा कर लेना है। आप अभी सोच रहे होंगे कि एक तो काफ़ी लिक्विड वाली फॉर्म में है, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ये ठंडा होगा ना, थोड़ा सा ये ठीक होने लगेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको लगातार चलाते हुए ठंडा कर रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि ये एकदम डो जैसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लिया है, पूरे तरीके से इसको ठंडा बिल्कुल ना करें। बस ये देखिए, डो बन गया है ना इसका अच्छा सा, और इससे हम छोटे छोटे से पोर्शन तोड़ लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज में नहीं तोड़ना है। इस रेसिपी को बनाते समय फ्रेंड्स, बस एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखना है कि जैसे ही डो बहुत ही हल्का सा ठंडा हो, मतलब कि छूने लायक हो, हाथ ना जले, तो फटाफट से हमें इससे छोटे छोटे पोर्शन इस तरीके से तोड़ लेने हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ठंडा होने लगता है। तो इसके लिए आप घर में किसी अपने और सदस्य की भी हेल्प ले सकते हैं। अब इसके बाद एक पोर्शन को उठाएंगे, हथेली के बीच में रखेंगे और इसको इस तरीके से छोटी सी गोली की शेप दे लेंगे। हाथों पे आप हल्का सा घी भी लगा सकते हैं, तो मैं तो यहाँ पे घी लगा रही हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ी सी चिपकने लगती है हाथों पर, तो इस तरीके से चिपकेंगी भी नहीं। आप लोगों से खास निवेदन है फ्रेंड्स कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, हमने बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं, और ये देखिए देखने में कितनी ज़्यादा ये सुंदर भी लग रही हैं। इन सुंदर सी छोटी गोलियों को आप अपने छोटे से बच्चों को भी खिला सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इसमें से बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन दें, क्योंकि हमने इसके अंदर सारी गर्म चीज़ें ऐड की हैं, तो इसलिए इसको पूरा ना दें अपने बच्चों को खाने के लिए। अगर आप बड़े हैं तो आप एक गोली खा सकते हैं खाना खाने के बाद। और बस ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इनको खाने के बाद शाम को अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो 1 घंटे तक हमें पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि ये गर्म थी ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे तरीके से हमारी गोलियाँ ठंडी हो गई हैं। तो अब किसी कांच के जार में या फिर कोई भी आप लंच बॉक्स वगैरह जो स्टील वाले होते हैं ना, तो उसमें या फिर किसी भी डब्बे में भर के आप इसको रख सकते हैं। आप इन सभी गोलियों को शुगर पाउडर या फिर बूरे के अंदर डाल के भी कोट करके रख सकते हैं। इस बात की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना फ्रेंड्स कि ये रखने के बाद चिपक जाएंगी, तो ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगी नहीं। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम
है ना, एकदम लचीली सी बनी है हमारी ये गोली। आप चाहें तो इस शेप में भी बना के इसको रख सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार बना के आप पूरे एक महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज वगैरह में भी रखने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के इनको आप बाहर ही रखें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इस बदलते मौसम में हम सभी को सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर गले में दर्द, कफ जैसी प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं फ्रेंड्स, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। 100% आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा इस रेसिपी का, तो बहुत ही कारगर रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई करें। तो दादी नानी के इस कारगर नुस्खे को आप भी बना के रख लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी हमारी आज की आसान सी रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।